मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 629 करोड़ की 195 विकास परियोजनाओं का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। गोरखपुर प्रदेश व देश तथा दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। यह केवल योजना नहीं है, उन्होंने कहा, लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाना हमारे भारत संस्कृत में पुण्य का कार्य माना जाता है। पहले लोग जगह जगह प्याऊ लगाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के कारण हर घर नल की योजना के तहत अब लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है। आरओ से भी शुद्ध पानी, यह है हर घर नल योजना है, उसी योजना को शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर घर जल की योजना का अपना महत्व है। पहले बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहाँ 4000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। अब वहाँ पर हर घर शुद्ध जल पहुँच रहा है। पहले वहाँ पर ट्रेन से पानी पहुँचाया जाता था। सभी माता व बहनों को 5-5 किलोमीटर तक अपने सर पर घड़ा रखकर पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, उन्होंने कहा, इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी फैलती है उसके पीछे अशुद्ध जल है। अब हर घर नल योजना से इस बीमारी पर भी रोक लग सकती है। अब इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को हम लोग अंतिम चरण में लेकर चल रहे हैं, उन्होंने कहा। 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, इससे पहले यह बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को दी गई है। जन्माष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्री जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, आप सबका मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, 17 के पहले की स्थिति आपने देखा है। 17 के पहले कॉलेज स्कूल के सामने छेड़खानी होती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। सरे आप गुंडे उठा लिया जाते थे, रिपोर्ट दर्ज गुंडे उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। किसी जात की नियुक्ति नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, हाहाकार था भ्रष्टाचार का। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के आने के बाद घंटाई या मुसहर के बच्चे भी और थारू समाज के बच्चे जो शराब होता। धनंजय जी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, कृषि विभाग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए निष्की भारती श्री कपिल देव मौर्य जी के अपने कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए ऋतु देवी जी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कर कमलों से प्राप्त करते हुए लाभार्थी अपने आवास की चाबी को उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री कि आपने एक बार पुनः लोक कल्याणकारी योजना का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये केवल एक योजना नहीं है, ये केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना हमारे भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हर घर नल की योजना और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में।
और उसी योजना के एक बड़े कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। मैंने वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था। माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी ला करके पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। गर्मियों में वहां भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो इसके लिए आवश्यक था कि उस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस की जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा, यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं क्यों बदली है, भारत के बारे में जो धारणा क्यों बदली है, आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ पर यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था, और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्रपाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। ये लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, लोग एक साथ मिलकर के करते हैं। गोरखपुर में सफाई हो, महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है, रवि किशन
संघ की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों को लगता है कि अब गोरखपुर बदल गया है। जू भी आप देख रहे होंगे, समय निकला, परिवार के साथ निकल गए जू देखने के लिए, रामगढ़ ताल में बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। पहले गोरखपुर में केवल गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में, अब रामगढ़ ताल भी देर रात्रि तक। एक दिन मैंने रात्रि को 12 बजे फोन किया प्रशासन के लोगों को, मैंने कहा देखो रामगढ़ ताल की तरफ जा देख करके मुझे बताओ क्या स्थिति है वहां। रात 12 बजे 12 से 15,000 की भीड़ यहाँ घूम रही थी। तो मैंने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनमें सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए पुलिस की वहां पे उपस्थिति, पेट्रोलिंग और सुरक्षा का एहसास हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आज गोरखपुर में कितनी वायु सेवा है, 14 जगहों से गोरखपुर जुड़ा हुआ वायु सेवा से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से। मैंने कोई सोचता था गोरखपुर से वायु सेवा, आज तो भाइयों बहनों वहां भी जुड़ चुका है। फर्टिलाइजर, रात्रि को आप फर्टिलाइजर की लाइट थोड़ा देखिए, कभी क्या चमकता है, ऐसे लगता है जैसे मुंबई फेल हो जाएगी उसके सामने। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, जब उसमें स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। भाइयों बहनों, ये नई आभा विकास की है, बिना भेदभाव के शासन की योजना को उपलब्ध कराने का है। आज जो लोकार्पण हुआ है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को 4 लेन का बनाने के बाद, पहले वहां पर इस सीजन में 3-3 फुट पानी लगा रहता था, आज जाइए आपको याद आएगी कि वहां पर यूरोप की कोई अच्छी सिटी की शहर है, शहर की कोई अच्छी अच्छा मार्ग है, कोई स्मार्ट मार्ग है, पूरा मार्ग एक कोने से जाके देखिए, एक जैसी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक आपको 4 लेन की सड़क नजर आएगी। आप एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ आइए, 4 लेन की सड़क, एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली की तरफ जाइए, 4 लेन की सड़क, लखनऊ से सैजनवा होते हुए, गीड़ा होते हुए, नौसन होते हुए, सीटी होते हुए, पैंडेगंज होते हुए, मेडिकल कॉलेज की तरफ आप चले जाइए, महाराजगंज की तरफ चले जाइए, 4 लेन की सड़क, हर ओर 4 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़क आपको दिखाई देती है। ये विकास की नई आभा है आपकी, और गोरखपुर विकास की इस गति को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं वेटरनरी कॉलेज बन रहा है, कहीं महात्मा बुद्ध के नाम पर भी एक नया विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ गोरखपुर के बॉर्डर पर ही होने जा रही है। ये विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ विकास, और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विकास की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले, इस योजना में आने वाले पैसे का सही सदुपयोग हो सके, विकास की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, इसी के लिए एक बार फिर से हम गोरखपुर में आए हैं। आपने देखा होगा बाढ़ से पहले लोग त्रस्त रहते थे, आज बरसात होती है लेकिन बाढ़ नहीं आती, बरसात होती है शहरों में 3-3 दिन तक जल जमाव नहीं होता है, आए 1 घंटे के बाद पानी निकल गया। आदमी की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।